पिक्चर में एक बाउंसर है, एक हलवाई है, एक पार्लर वाली है और एक रिसेप्शनिस्ट है, एक्टर कहाँ है? हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और क्यों क्या क्यों क्यों किसने बाय गॉड गाइस, ये पिक्चर को देखता हुआ ना मैं अपनी सीट पे ग्लू हो गया, चिपक गया एकदम, क्योंकि ये चुतिया पे की जो छुपन छुपाई खेली गई है ना हमारे साथ इस पिक्चर के अंदर, उसको आखिर तक देखने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। और ये देखने के बाद ना यार एक ही हैशटैग मेरे दिमाग में आ रहा है और ये बहुत जरूरी है, हैशटैग हग्गू हग्गू। इन पिशाचों, इन असुरों तक पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि हमारी जान बचे, और यह है ऑनेस्टली से। तो गाइस एक बार फिर इस हफ्ते बॉलीवुड ने वेरी सक्सेसफुली अंडर ट्रिपल ए HPY यानी आधे अधूरे एक्टर हाउसिंग एंड पेंशन योजना के तहत ऐसा हमारे को जमाल गोटे का मैंगो शेक बना के पिलाया, जिसको देखने के बाद आपके बाइल डक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी, फ्रंटल लोब तो सारे सुन पड़ ही जाएंगे, पर तुम साथ ही साथ ये भी बोलोगे कि भैया चलो कि ललित मोदी और सुष्मिता सेन की जोड़ी से बुरा भी कुछ हो सकता है। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है MIT गलगोटिया, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वही भटके हुए नौजवान जिनको आज तक ये लगता है कि उनके कॉलेज में असली की पढ़ाई होती है और उनको असली की डिग्री मिलेगी। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है ब्राजील में पाए जाने वाले नायाब जामुनी रंग की बुंड वाले बंदरों का एग्जॉर्सिज्म। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है वही लौंडे जो सोसाइटी को चेंज करने के लिए इंस्टाग्राम रील्स पर अपनी मम्मी के ब्लाउज और घाघरा चोली पहनकर ट्रांजिशन रील्स बनाते हैं, केसरिया तेरा रंग है पिया पर। डर और प्यार लोगों से बुरी चीजें करवाता है। तो उल्टे पैर वाली अदनंगी चुड़ैलों की रूफटॉप पार्टी जैसी इस पिक्चर की लीड रोल में हैं लड्डूलाल मिष्ठान भंडार के सुप्रसिद्ध हलवाई अर्जुन कपूर, मारते पर मैं उठता रहूंगा जनकपुरी ईस्ट बाउंसर एसोसिएशन के हेड बाउंसर जॉन इब्राहिम, मार दूंगा सबको, नो एक्टिंग ओनली लुक्स पार्लर की बेस्ट अपर लिप और थ्रेडिंग करने वाली ब्यूटिशियन दिशा पटनी, कौन हो तेरा डर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट शक्ल अच्छी है पर एक्टिंग नहीं आती कॉल सेंटर की हेड रिसेप्शनिस्ट यानी तारा सुतारिया, ब्लॉकबस्टर जोड़ी है अपनी। और इन आंखों की पुतलियों को चोटिल कर देने वाले एक्ट्रेस को दे दी एक ऐसी स्क्रिप्ट जिस स्क्रिप्ट के अंदर लूप होल्स नहीं है, इस स्क्रिप्ट के अंदर है पॉट होल्स यानी गड्ढे, 6-6 फुट के गड्ढे हैं इस पिक्चर की स्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर ये चारों एक शेयर्ड ऑटो में बैठ के एक दूसरे की झांगों के ऊपर मुंह के बल जाके गिरे हैं। 2014 में जो एक विलन आई थी वो थी कॉपी एक सुपर हिट और फैंटास्टिकली मेड साउथ कोरियन पिक्चर की जिसका नाम था आई सॉ द डेविल। तो वहां पे मोहित सूरी भाई साहब को एक कुंजी मिल गई तो उन्होंने टेप के एक बढ़िया सी ठीक ठाक सी पिक्चर बना दी। लेकिन यहाँ पे जो इसका दूसरा पार्ट अब हम देख रहे हैं एक विलन रिटर्न्स, यहाँ पे मोहित सूरी भाई साहब को अपना निबंध खुद लिखना पड़ गया और वहां पे हो गए इनके टट्टे शॉर्ट। सबसे पहली बात, इस पिक्चर को फॉल्सली मार्केट करा जा रहा है बड़े ही स्मार्टली ये बोलकर कि ये एक विलन यानी इस पिक्चर के पहले पार्ट का स्पिरिचुअल सीक्वल है। इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता था कि पोलियो टीकाकरण के शिविर जैसी ये पिक्चर जो इन्होंने बना दी है ये अच्छी तरह रख के इंटरनेट पे होगी ट्रोल, तो माइलेज खींचने के लिए एक हाइप बनाने के लिए इन्होंने स्पिरिचुअल सीक्वल का नाम जोड़ दिया। लाइक एनीबडी केयर्स कि ये स्पिरिचुअल सीक्वल है कि नहीं है, बिकॉज अगर तुम सीक्वल बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि ये शायद सीक्वल हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, इस पिक्चर का पहले पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो भैया पिक्चर की स्टोरी बड़ी सिंपल सी है और पिक्चर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक रात को मोहित सूरी ने एक पूरी बोतल डाइल्यूटर सूंघ ली और साथ ही खा लिए ₹1 में 4 भोले मुनक्के। उसके बाद इसने एक धीपीटी का गंदा सा कैरेक्टर लिख दिया सीरियल किलर का और उसके बाद यही रोल ऑफर कर दिया जॉन इब्राहिम भाई साहब को। अब जॉन इब्राहिम शर्टें फाड़ने में माहिर है, 4-5 बार शर्टें फाड़वा लो, गर्दन की नसें टाइट करवा लो, हैं डोले फुलवा लो, 3-4 चाकू यहाँ पे लगवा लो, घुसम पट्टी करवा लो और 1-2 बार बाइकें फिंकवा दो, सोफे तोड़वा दो, घास उखड़वा लो, ये सब करवा लो उससे, वो बढ़िया है। पर एक सीरियल किलर का कैरेक्टर विच नीड्स इंटेंसिटी, मिस्ट्री एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल, आई मीन देखने में तुम्हें ये लगना चाहिए कि यार दहशत है इस किलर की, ये सब जॉन इब्राहिम को कहा यार, ये तो तुम उसको कह रहे हो, तुम संस्कृत में ABCD लिख के दिखा दो। खुद मर जाऊंगा। एंड बाय गॉड इन द नेम ऑफ द जीसस अल्लाह क्राइस्ट इन राम मंदिर की कसम, किया एक्टिंग करी है मियां ने, किया एक्टिंग करी है थ्रू आउट द फिल्म। अगर पासपोर्ट साइज फोटो खींच के चला देते ना जॉन की तुम जॉन को एक्चुअल एक्ट कराने से, तो उस पासपोर्ट साइज में ज्यादा एक्सप्रेशन दिखने को मिल जाते। अभी तक जॉन भाई साहब जो सत्यमेव जयते ने जो कैरेक्टर प्ले किया था इन्होंने पत्थर का, वही पत्थर ये यहाँ भी बने हुए हैं। मैं हीरो हूं तेरी कहानी का। इस पिक्चर में जो
नकाब यूज कर रहे हैं ना इन्होंने अपने चेहरे छुपाने के लिए, उन नकाबों ने जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर से अच्छी एक्टिंग करी होगी पिक्चर में। इस पिक्चर में जॉन अब्राहम जो कैब चलाता ना, उस कैब ने जॉन अब्राहम से अच्छी एक्टिंग करी होगी। इस पिक्चर में जो खाली मेट्रो स्टेशन था और खाली मेट्रो के डब्बे थे, उन्होंने बेटर एक्टिंग करी होगी जॉन अब्राहम से। और जब कंपटीशन हो गंदी धीपिटी की एक्टिंग करने का, तो भैया हमारे लड्डू लाल मिष्ठान भंडार के चीफ हलवाई, कचौड़ी और समोसे तलने में एक्सपर्ट अर्जुन कपूर क्यों ना आगे आए। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इस पिक्चर के लिए अर्जुन कपूर ने ट्रांसफॉर्मेशन करी है, और ये पिक्चर देखने के बाद आई कंप्लीटली अग्री कि हाँ भैया उसने ट्रांसफॉर्मेशन करी है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि वो अपनी पहले वाली पिक्चरों में हुआ 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 करता था, अब वो हुआ हुआ करने के साथ फूफा 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 भी कर रहा है। पिक्चर में कोई शॉट हो भैया प्यार का हो मोहब्बत का हो, सेम ड्रूपी सी आंखें ड्रूपी से चीक्स, वही भाई फाइटिंग सीन में भी इतना डेड है बंदा भैया, 4-5-6-2 दर्जन लोग आके तेरे को पीट रहे हैं। मर गया ना यार तू, मर जा बस, अब और नहीं होती मेरे से एक्टिंग, हो गया। अरे मलाइका को कोई बोलो ना कि इसको चेहरे के आसन कराए, थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी लाए इसके गालों में, कुछ तो हमें दिखे, कोई कुछ तो करता हुआ दिखे ये कभी हमारे स्क्रीन पे। बट पिक्चर में एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट है, और वो इस पिक्चर का एक्चुअल क्लाइमेक्स वाला ट्विस्ट नहीं है, वो ट्विस्ट ये है कि इस पिक्चर में जॉन, दिशा और तारा ने इतनी गंदी एक्टिंग करी है, इतनी गंदी एक्टिंग करी है कि तुम्हें लगेगा अर्जुन कपूर ने अच्छी एक्टिंग करी है। इससे बड़ा ट्विस्ट तो आज तक हुआ ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री में। और इसके बाल क्यों नहीं कटवाता कोई, कोई झउआ क्यों नहीं मुंडवाता इसका, मलाइका को डीएम करो भैया, नाई के पास लेके जाए, कटोरा कट कराओ मियां का। और अर्जुन डी कैप्रियो पचीनो कपूर को दे दिए कुछ ऐसे डायलॉग, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक लड़की की शादी में भाई साहब घुस जाते हैं और वहां जाके मारपीट करने लगते हैं, और लौंडों को पीटते हुए ये डायलॉग मारते हैं लड़की के बाप की आंखों में देख के कि कमाने वाला मेरा डैड, ध्यान से सुनिएगा, कमाने वाला मेरा डैड, उड़ाने वाला मैं बेटा डैड। अबे तू लड़की भगाने आया है या चिकन चंगेजी खाने आया है दारू पीने के बाद पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन की मार्केट में। फिर ये छोटा भीम एक सीन में तारा सुतारिया के साथ लड़ रहा होता है, और वो कहता है उसको कि भैया तू भी मेरे साथ वही करेगी जो मैंने तेरे साथ किया था, यानी कि इन शॉर्ट तू मेरे से हैशटैग बदला रिवेंज लेगी, मतलब हैशटैग बदला रिवेंज। नाइस डायलॉग यार, तू हीरो तो मैं तेरी कहानी का विलेन, मतलब यार क्या डायलॉग है, किसने लिखे है डायलॉग। अब भैया ये ऊत बिलाऊ का संभोग देख के मेरा माथा भिन्ना गया, एंड सरप्राइजिंगली फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अर्जुन कपूर की इनकॉम्पिटेंसी और गंदी एक्टिंग देख के इतना इरिटेट नहीं हुआ जितना मैं इरिटेट हुआ, और जितनी गैस मुझे हो गई जॉन अब्राहम भाई साहब की एक्टिंग देख के। और फिर मैंने देखा What is the time? It is a letter writing time. Dear, मैं बोलता तुझे जॉन, अगर तू पिक्चर में सीरियल किलर की एक्टिंग करता सीमेंट की बोरी की नहीं, भाई प्लीज 20 साल हो गए अब तो पत्थर से एक्टर बन जा, शर्टें फाड़ना चाकू छुरी चलाना गमले तोड़ना के अलावा भी एक्टिंग में कुछ एक्सप्लोर करके देखो, हर फिल्म सत्यमेव जयते नहीं होती मेरे भाई, थोड़ा टाइम एक्टिंग में लगा लिया होता प्रमोशंस की बजाय इस पिक्चर की तो एटलीस्ट अर्जुन कपूर से बेटर तो लगता, अब तेरी गंदी एक्टिंग चक्कर में अर्जुन कपूर को लगने लगा है कि वो अच्छा एक्टर है, और अगर उसको लगेगा कि वो अच्छा एक्टर है तो उसको और पिक्चरें मिलेंगी, भाई प्लीज हमारे पे भी दया कर ले, नॉट योर्स, डेफिनेटली नॉट योर्स आफ्टर दिस फिल्म इंडियन ऑडियंसेस। एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड फाइटिंग सीक्वेंस है बिटवीन जॉन एंड अर्जुन, और वो होता है मेट्रो के अंदर। अब भैया मुंबई मेट्रो है तो खाली होगी ना, पूरी की पूरी मेट्रो स्टेशन खाली, ना बंदा ना बंदे की जात, साले एक क्वार्टर लेके चले जाओ तुम, तुम्हारे को सीआईएसएफ वाले चूतड़ा थपेड़ देंगे तुम्हारी। और ये दोनों लड़ रहे हैं भैया, मेट्रो के शीशे फोड़ रहे हैं, पोल उखाड़ दिया एक में तो जॉन अब्राहम ने, पोल उखाड़ दिया बीच में तो ठंडे लगे होते ना डब्बों के, उखाड़ दिया वो भाई साहब ने, शीशे तोड़ दिए मेट्रो चलती मेट्रो के, और मेट्रो नहीं रुक रही, मेट्रो में किसी को क्या पता लगेगा लड़ाई झगड़ा हो रहा, कैमरे तो लगे ही नहीं होते मेट्रो में, बेंच छोड़ो ना लड़ने दो दोनों को। और इसी फाइटिंग सीन में जॉन बाहर भागता है मेट्रो के डब्बे से और दरवाजा बंद हो जाता है, और पीछे से अर्जुन कपूर उसकी शर्ट पकड़ लेता है तो शर्ट अंदर हो जाती है, ये भाई साहब जॉन अब्राहम ऐसे लटक जाते हैं दरवाजे से चिपक के, और सोचो फिर क्या होगा, मतलब हमारे को लगता है कि वो शर्ट के बटन खोल लेगा और शर्ट रह जाएगी अर्जुन कपूर दरवाजे के पास और वो भाग जाएगा, बट ऐसे थोड़ी होता है, वो साइको किलर है, साइको किलर तो वो क्या करता है, वो आंखें बंद करके, बारिश हो रही होती है, बारिश में नहाने लग जाता है यूं करके आ, और पीछे से सुनो, पीछे से भैया वो अंदर से बातें चोद रहा है, मतलब मेट्रो का दरवाजा बंद हो जाता है तो बाहर आवाज नहीं जाती है, वो पीछे से उसके कान में बात कर रहा है, सुनना मोमोज खाने चलेंगे, वो कह रहा है अगले मेट्रो स्टेशन पर मैं उतर रहा हूँ अभी चलेंगे। अबे बेंच दिमाग कहाँ है तुम्हारा, मतलब दिशा पटनी और तारा सुतारिया को इतना इनकॉन्सिक्वेंशियली यूज करा गया है, तो मैंने सोचा कि भैया मोहित सूरी ने कैसे इनको इस पिक्चर के लिए रोल समझाया होगा।
मोहित सर प्लीज गिव मी गुड डायलॉग्स. नो सर प्लीज गिव मी गुड डायलॉग्स. अर्जुन यार तुम कद्दू की एक्टिंग नहीं करनी है, सीरियल किलर की एक्टिंग करनी है. हाँ, क्या है दिशा, क्या क्या चाहिए? अच्छे डायलॉग. पहले तो एक बात बताओ कि तुम्हारी स्कर्ट घुटनों से नीचे क्यों है? इसको ऊपर करो. पद्मावती 2 की हम शूटिंग चल रही है क्या यहाँ पे? जोधा अकबर शूट कर रही हो क्या तुम? इसको ऊपर करो, छोटी करो और छोटी करो, चलो शाबाश और छोटी करो. और ये टी शर्ट, ये हाई नेक टी शर्ट क्यों पहनी है तुमने यार? बर्बाद हो जाएगी मेरी पिक्चर पहले ही. मैं इसको परेशान हो गया हूँ. 47th शॉट है इसका, ये अभी भी इसको ये लगता है कि ये लौकी या कद्दू है. इसको समझाएगा कौन कि सीरियल किलर है यार? तुम मेरे को दुखी कर रही हो. तुम्हें जो बताया जा रहा है वो करो. ए असिस्टेंट, इसे कपड़े करो, छोड़ डिवाइड बाय 2 करो, इसको लेके जाओ यहाँ से. उल्टी सीधी बातें कर रही है. चलो भाई एक्शन. एक सीट में दिशा पटनी गाड़ी चला रही होती है और पैसेंजर सीट पे बैठे होते हैं जॉन भाई साहब. एक स्कूटी पे साइड से कट करते हुए ना निकलते हैं, ओवरटेक करते हुए दिशा पटनी को दो लौंडे स्कूटी पे. तो दिशा पटनी कहती है कि भैया एक तो मेरी लाइफ में वैसे ही कटा हुआ है, अब मैं इनको भी अपना काटने दूं. तो क्या करती होगी, जाके डराएगी धमकाएगी, नहीं गाली नहीं पकेगी, ठोक के उनको जान से मार देती है. अब मुझे ये समझ नहीं आता कि दिशा पटनी को इंस्टाग्राम करने दो ना, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्यों लेके आते हो उसको पर्दे के ऊपर भैया? पूरी पिक्चर में उसको बस यहां तक क्लीवेज है उसकी और यहां तक स्कर्ट है. और जहां कोई बात नहीं हुई तो बटन खुल जाते हैं, जहां बात नहीं हुई पप्पियां शुरू हो जाती हैं. जॉन अब्राहम फिर अपनी टी शर्ट है, आधी वो लड़ाई में टी शर्ट फाड़ता है, आधी वो दिशा पटनी को देख के अपनी टी शर्ट फाड़ लेता है, कभी उसकी टी शर्ट. क्या हो रहा है? तारा सुतारिया अगेन इज जस्ट अनदर प्रिटी फेस विद दिशा पटानी इन द फिल्म, कंप्लीटली इनकॉन्सिक्वेंशियल. वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना धनिए के साथ जो मिर्ची मिलती है ना एक या दो, जितनी वो इनकॉन्सिक्वेंशियल होती है उस पूरी परचेज में, उतना ही ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है भैया. बट सीरियसली गाइस, दिस मूवी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इज सो बैड दैट इट्स हार्ड फॉर मी टू पुट इट इन वर्ड्स. एक साइको सीरियल किलर का रोल एक ऐसे बंदे को देना चाहिए जो बहुत ज्यादा इंटेंस हो, आंखों से ही ये कन्वे कर दे, दहशत कन्वे कर दे. याद है तुम्हारे को संघर्ष आई थी जिसमें आशुतोष राणा साहब ने साइको सीरियल किलर का रोल प्ले किया था, उसमें वो बच्चों को किडनैप करके बलि देता था उनकी. आज तक वो रोल तुम अकेले अंधेरे में बैठ के देख लो, तुम्हारी नाक गांड फटके चौखट हो गई. वो दहशत होती है भैया किलर्स की. 2014 में एक विलन जब आई थी वो भी कोई इतनी मास्टरपीस पिक्चर नहीं थी, लेकिन इस पिक्चर के इस कबाड़ के आगे वो भी आइकॉनिक लगती है भैया. ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा कि घर बैठो, जरूरत नहीं है जाने की, अपने पैसे में आग मत लगाओ. OTT पे आएगी, वो भी तब उस दिन देखना जब तुम्हें घर बार साफ करना हो, क्योंकि पिक्चर लगा के चले जाना 4-5 इधर उधर के फालतू के अनसेंड डायलॉग कान में पड़ेंगे, आधे पौने घंटे बाद भी आओगे तब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, देखोगे तब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा. और बीच में सारे काम कुम निपटाना, गाड़ी वाड़ी धो लेना अपना, आके आराम से बैठ के देख लेना आखिरी की 15 मिनट की पिक्चर, बस हो गया. और क्या है, पिक्चर हॉल पे थोड़ी जाते हैं सब देखने. और हाँ, मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूं जिसका नाम होगा ऑनेस्टली सेइंग शॉर्ट्स. वहां पे हम बात करेंगे पिक्चरों के बारे में, इंटरेस्टिंग बातें होंगी, थोड़ी अलग चीजें होंगी वहां पर. तो जल्दी ही मैं उसका भी लिंक पोस्ट करूंगा, प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में करूंगा. तो प्लीज वहां जाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना उसको भी. तब तक यहां पे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, टेंट से हाथ बाहर निकालो गंदे लड़कों, और बाबा मियां लज़ानिया पप्पी बाय बाय. अगले हफ्ते मिलेंगे और क्या.